अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करूँगी अपने लिविंग रूम को रिफ्रेश स्प्रिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी क्लीनिंग डन कर ली है। तो यहाँ पर जितना भी मेरे पास विंटर का डिकोर था मैंने उसको क्लियर कर लिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुशन्स भी इनका कवर चढ़ा के इनको भी रेडी करके रख लिया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं बहुत ही कम चीज़ों के साथ करेंगे, क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है तो उसकी भी कुछ छोटी मोटी डेकोरेशन उसकी भी हम करेंगे दूसरे वीडियो में। तो इस वजह से स्प्रिंग का जितना भी डेकोर होगा वो बहुत कम होगा। तो मैं यहाँ पर शुरू करूँगी अपने कॉफ़ी कॉर्नर से। तो पहले हम कॉफ़ी कॉर्नर को क्लीन करेंगे और उसको पहले डेकोरेट करेंगे और फिर उसके बाद लिविंग रूम की तरफ आएंगे। तो कॉफ़ी कॉर्नर को मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, जितनी भी चीज़ें थी उसको निकाल के अच्छे से डस्टिंग वगैरह मैंने यहाँ पर कर ली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम अब शुरू करेंगे ऊपर वाले शेल्फ से। तो ऊपर वाले शेल्फ में मैं हमेशा कुछ फ्रेम वगैरह रखती हूँ, तो यहाँ पर मैं एक फ्रेम का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये गोल्डन कलर का फ्रेम है जो मैं ऊपर की तरफ रखूँगी। उसके साथ मैं यहाँ पर ले लूँगी एक वॉश। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाइट कलर का वॉश है, वाइट और ग्लास में। तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हुए हैं, उसको मैं इसमें अच्छे से अरेंज कर दूँगी। यहाँ पर मैंने ये फ्लावर्स को अरेंज कर दिया अच्छे से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। और मैंने यहाँ पर वाइट का यूज़ किया है, वाइट फ्लावर्स का। और इसके साथ मैंने दो पिंक कलर के ट्यूलिप्स यूज़ किया मैंने यहाँ पर। तो आप जैसे देख सकते हैं, तो आपके मेरा जो लिविंग रूम की थीम है वो मैं ज़्यादातर वाइट और क्रीम और गोल्डन मैंने यूज़ किए हैं। और उसके साथ मैं यूज़ करूँगी ब्लश पिंक का। तो यहाँ पर मैंने भी दूसरा वॉस लिया है, क्योंकि जब मैंने ये वाइट वाला वॉस को ऊपर की तरफ मैंने जब रखा है तो उसका उतना खूबसूरत सा लुक नहीं आ रहा है जो जितना नीचे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ नीचे से उसकी जो नीचे वाली स्टेम्स है वही नज़र आ रही है, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है इसके साथ। तो ये काफ़ी सिंपल है और अच्छा भी लगेगा जितनी भी मैं उसको ऊपर रख लूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको रख दिया है कुछ इस तरह से। तो आप चीज़ों को हमेशा रख के देखें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर वर्क करती है। बस दफ़ा हर चीज़ हर जगह अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं इसको चेंज करते रहती हूँ। यहाँ पर मैंने एक टीपॉट लिया है, उसको हम रख देंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये मिल्क के लिए है, तो ये दोनों चीज़ें मैं ऊपर की तरफ रख दूँगी। तो यहाँ पर शेल्फ में कुछ इस तरह से। तो आप हमेशा चीज़ों को रख के अरेंज करके उसको पीछे की तरफ जाके देखें तो उसको आपको सही लुक नज़र आता है कि किस तरह से ये लग रहा है। तो मैं उसको इस तरह से मैंने पहले अरेंज किया, फिर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसको इस तरह से। तो ये हो गया इसका फाइनल लुक। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पर लगाऊँगी कप्स को। तो यहाँ कप्स के लिए मैंने यहाँ पर चार डिफरेंट कप्स लिए हैं, दो एक तरह के हैं और दो एक तरह के हैं। तो ये वाले जो कप्स है वो पिंक और इस तरह के हैं, ये मैंने लिए थे आइकिया से। तो ये काफ़ी खूबसूरत से कप्स है, तो ये हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ये दो फ्लावर के जो कप्स है ये भी काफ़ी खूबसूरत है, ये ब्लॉकर से है ये कप्स, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर नीचे कॉफ़ी मशीन के पास मैंने ये एक वुडन ट्रे रखी है जहाँ पर मैं अपनी कॉफ़ी रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने कॉफ़ी के जार रख दूँगी जिसको मुझे फिल भी करना है। तो ये वाला जार तो ठीक है, इसमें दूसरा वाला जार इसमें चीज़ों को फिल करना है, मुझे कॉफ़ी को फिल करना है, तो वो मैं बाद में करूँगी। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा जार लिया, उसमें मैंने स्पूंस रखे हैं जो टी स्पूंस है गोल्डन कलर के, तो ये मैं इसमें रख दूँगी जब कॉफ़ी बनाते वक्त काम आएँगे ये। अब हम आ गए नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ ये मेरे पास एक केक स्टैंड है, वुडन केक स्टैंड, तो मैं उसको यहाँ पर रख दूँगी एक हाइट देने के लिए। तो यहाँ पर मैं रख दूँगी एक कैंडल होल्डर और कैंडल। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ डिफरेंट अगर आप हाइट देंगे ना तो उसका लुक काफ़ी खूबसूरत आता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी टी बॉक्स रख दिया, इसमें मेरी इसमें डिफरेंट टेस्ट की टीस है, तो वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। और उसके साथ ये वाले कॉर्नर पे यहाँ पर मैं पहले एक बॉक्स को रखूँगी थोड़ी सी हाइट देने के लिए। इसके ऊपर मैं रख दूँगी एक आर्टिफिशियल प्लांट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट हाइट दी है, तो उससे काफ़ी अच्छा लुक आता है।
तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास ये बास्केट है, मैंने लास्ट ईयर भी इसको यूज़ किया था, स्प्रिंग में भी और समर में भी और विंटर में भी, ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसमें मैं यहाँ पर ये मेरे पास गार्लिन है तो मैं इसको डाल दूँगी, और इसके साथ ये फ्लावर बंच है तो ये इस तरह से मैं उसमें प्लेस कर दूँगी ताकि ऐसे लगे कि आप गार्डन से तोड़ के इसको लेकर आए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है, मैंने लास्ट ईयर भी किया था तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैं इसको फिर से रिपीट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैं एक बड़ी सी बास्केट लूँगी जिसमें अपनी थ्रो ब्लैंकेट को मैं रख दूँगी। यहाँ पर मेरे पास दो थ्रो ब्लैंकेट है, एक ये वाली और ये एक ये वाली, दोनों में भी पिंक और काफ़ी कलरफुल है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे कौन सी यूज़ करनी है, तो फिर मैंने इस दूसरी वाली को मैंने यूज़ किया। तो मे भी शायद मैं इस वाली को मैं इसको लिविंग रूम में यूज़ करूँ, तो इस वजह से मैंने ये दूसरी जो है मैं यहाँ पर रख दूँगी। ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मुझे ज़्यादा कलर्स नहीं चाहिए, जो मुझे ब्लश पिंक है तो उसी के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैं सारे कलर्स को अंदर टक कर दूँगी। ये वाला जो कॉर्नर है, मैंने सोचा कि इस वाले फ्लावर्स को मैं इस कॉर्नर पे यूज़ करूँ, क्योंकि ये वाला जो कॉर्नर है, पहले मैंने ये वाली टू ट्रे स्टैंड को मैंने यूज़ करना चाह रही थी, तो लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं इसको रमज़ान में यूज़ करूँगी, तो वो मैंने इसको हटा दिया। अब फिल वक्त के लिए मैं इसको ये फ्लावर्स को यूज़ करूँगी यहाँ पर के लिए। यूजली मैं यहाँ पर कुकी जार वगैरह रखती हूँ, क्योंकि रमज़ान में वो यूज़ नहीं होगा, तो मैं इसलिए उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पर मैं एक कैंडल रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को रखा है और चेंज किया है, और मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ, और आप भी उस तरह से कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कुछ अच्छे नहीं लग रहा है या वर्क नहीं कर रहा, तो आप उसको हमेशा चेंज कर सकते हैं जब तक आपको लगे कि ये लुक आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरा कॉफ़ी कॉर्नर हो गया है कम्प्लीट। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा मैंने यहाँ पर चेंज किया है। तो यहाँ पर मेरे पास ये गोल्डन कलर की एक बड़ी सी कैंडल रखी हुई है, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि ये स्पेस थोड़ी सी बड़ी है तो वो कैंडल छोटी लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। और उसके साथ यहाँ पर मेरे पास ये कैंडल होल्डर है, तो वो भी मैंने यहाँ पर रखा है, जो मैंने बाद में फिर से चेंज किया है, तो आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से थ्री का ग्रुप दिया है, तो जब आप थ्री का ग्रुप देते हैं उसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पर मेरे पास ये एक सेरेमिक का एग की तरह बना हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर रख दूँगी, शुगर के लिए ये हमें काम आएगा, शुगर क्यूब्स में इसमें डाल दूँगी। अब हम चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। तो लिविंग रूम के इस वाले कॉर्नर से मैं शुरू करूँगी, ये टीवी टेबल है, तो उसके साथ यहाँ पर मैंने रख लिया दो कैंडल होल्डर्स, जो मैंने कैंडल होल्डर वहाँ पर रखा था, फिर मैंने उसको यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर इसमें मैं रख दूँगी ये पिंक कलर के, ब्लश पिंक कलर के कैंडल्स है और बहुत ही खूबसूरत है, वो मैं इसमें लगा लूँगी, जो मैंने आगे चल के चेंज किया तो आप देखेंगे वो भी। तो यहाँ पर कुछ ये इस तरह से, और ये दूसरे कॉर्नर पर मैं रख दूँगी फ़ोटो फ्रेम्स को। तो यहाँ पर मेरे पास ये वुडन का फ़ोटो फ्रेम है, वो मैंने यूज़ किया। उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास ये गोल्डन कलर का फ़ोटो फ्रेम है, तो वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। फ़ोटो फ्रेम की लेयरिंग हमेशा अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ उसको ज़रूर से ट्राई करें, बहुत अच्छा सा लुक आता है। ये वाला मैंने यहाँ पर फ्लावर वाज लिया, जो मुझे लग रहा था कि काफ़ी बड़ा है, तो मैंने उसको चेंज किया है। तो यहाँ पर मैंने कैंडल रखी है। यहाँ पर मैं नीचे रख दूँगी प्लांट्स, जब भी स्प्रिंग या समर के लिए मैं डेकोरेट करती हूँ, मैं अपने प्लांट्स को यूज़ करती हूँ ताकि उसका भी अच्छा सा लुक आता है। स्प्रिंग और समर में हमेशा प्लांट्स को यूज़ करती हूँ। तो ये वाले जो वॉल्स को मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ प्लेस किया है, तो यहाँ पर मैंने रखा है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो ये कुछ इस तरह से लुक आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रेश फ्लावर का भी मैंने यहाँ पर एक वॉज रखा है, जो मेरे पास फ्रेश फ्लावर्स थे उसको भी मैंने रखा है। अब हम चलते हैं कॉफ़ी टेबल की तरफ। यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप की ट्रे को यूज़ किया, उसमें हम रख देंगे एक कैंडल, ये सेंटेड कैंडल है। तो उसके साथ मैं यहाँ पर रख दूँगी एक छोटा सा वॉज, जिसमें मैंने
दो आर्टिफिशियल स्टेम्स लगाए हैं, और उसके साथ मैं यहाँ पर रख दूँगी कोस्टर्स को, ये मार्बल कोस्टर्स है तो ये इसको हम यहाँ पर रख देंगे। कॉफ़ी टेबल के लिए मैं एक ट्रे ही रखती हूँ हमेशा, क्योंकि हम लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं तो ये रिमूव करने में काफ़ी ईजी होता है, लेकिन इस बार मैंने एक के बजाय दो चीज़ों को रखा है ताकि मैं देख सकूं कि किस तरह से हमारे को वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक ये वुडन बीट्स है तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया, और इसी के साथ यहाँ पर एक खूबसूरत सा फ्लावर अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर रखा है, तो ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। अब हम चलते हैं सोफे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर के कुशन्स का यहाँ पर यूज़ किया है, उसके साथ मैंने ये ब्लश पिंक के कुशन्स यूज़ किए हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्लश पिंक का टच दूँगी, ओवरबोर्ड नहीं करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ मैंने वाइट और क्रीम कलर के कुशन्स का यूज़ किया है ताकि ज़्यादा पिंक नज़र ना आए ब्लश पिंक, तो इस वजह से यहाँ पर एक थ्रो ब्लैंकेट को हम यूज़ कर लेंगे। ये वाली थ्रो ब्लैंकेट में पूरे साल मैंने यूज़ किया है और बहुत ही खूबसूरत लगती है, मैंने इंडिया से इसको परचेस किया था। तो उसी के साथ यहाँ पर हम कुशन्स रख लेंगे, तो ये सिंगल चेयर है तो इसके साथ हम मैंने यहाँ पर एक थ्रो ब्लैंकेट डाल दिया, और उसके साथ मैंने एक ब्लश पिंक का कुशन रखा है, तो ये दूसरी तरफ मैं दो कुशन्स रख दूँगी। मैंने ब्लश पिंक का बस इतना ही यूज़ किया है कि ताकि थोड़ा सा अच्छा सा खूबसूरत सा टच आ जाए स्प्रिंग का, क्योंकि ये कलर्स काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं स्प्रिंग या समर में। तो यहाँ पर मैंने कुशन्स को कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया है। अब हम चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। तो यहाँ पर एक मैं रनर यूज़ करूँगी, और उसके साथ मैं यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँगी, मैंने बस एक वॉस लिया है उसमें मैंने कुछ इस तरह के स्टेम्स लगाए, ये काफ़ी खूबसूरत स्टेम्स है जो स्प्रिंग में काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। तो इसमें जो लीफ वगैरह है तो आप देख सकते हैं बाहर भी इसी तरह के आपको प्लांट्स नज़र आएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। यहाँ पर मेरा लिविंग रूम रेडी हो गया है स्प्रिंग के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरह से आपको लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें, और मैं आपको आगे बताऊँगी मैंने कुछ छोटी सी एक चेंज किया है मैंने, क्योंकि जो मैंने कैंडल होल्डर्स यूज़ किए थे टीवी टेबल पे वो मैंने चेंज किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर ये है वो जो कैंडल होल्डर जो हमने चेंज करने हैं, तो यहाँ पर मैंने दो कैंडल होल्डर्स लिए, तो ये मैंने टेमो से ऑर्डर किए थे तो वो आए नहीं थे, तो बाद में आए थे तो मैंने सोचा ये वीडियो में इसको ऐड कर दूँ। तो ये काफ़ी खूबसूरत गोल्डन कलर के कैंडल होल्डर्स है, तो इसको मैं चेंज कर दूँगी, वो वाले कैंडल होल्डर्स थे तो ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है, तो आने में थोड़ी देर हो गई थी इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया। तो आप मुझे बताना कि कौन से वाले अच्छे लग रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।